आरोपी आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके 35 टुकड़े कर दिए, लेकिन अशोक गहलोत को यह सिर्फ एक दुर्घटना नजर आती है। जब उनसे इस बारे में बातचीत की जा रही थी तो उन्होंने इसे दुर्घटना बताया। गहलोत जी उसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां पर टाइम्स नाउ भारत ने लड़कियों की खरीद फरोख्त के रैकेट का पर्दाफाश किया था। उस मामले में भी गहलोत के मंत्रियों के बेतुके बयान आए थे और अब श्रद्धा मर्डर केस में अशोक गहलोत बीजेपी पर निशाना साधने के लिए कह रहे हैं कि श्रद्धा मर्डर केस में एक कौम को राजनीति के लिए टारगेट किया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है, लेकिन गहलोत जी राजनीति के लिए इसे सिर्फ एक दुर्घटना करार दे रहे हैं। एक कौम को टारगेट करने वाली सियासत उनको इसमें नजर आ रही है। हैरानी की बात है ये। एक शख्स जो है एक युवती की हत्या कर देता है, 35 टुकड़े कर देता है, जांच उसको लेकर चल रही है, तो उसमें उन्हें कौम वाली राजनीति, इसमें भी उन्हें धर्म की राजनीति नजर आ रही है और महज एक दुर्घटना उन्हें यह लगती है। कैसे बर्बरता से हत्या कर दी जाती है एक युवती की, मौत के घाट उसे उतार दिया जाता है, उसके बाद उसे छिपाने की कोशिश की जाती है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। ये घटना है, घटना दुर्घटना है, ये तो नाम दे दिए गए हैं, नाम दे दिए गए हैं, जुमले कर दिए गए हैं, आप इसको किसी रूप में ले लीजिए, ये तो कोई नई बात नहीं। सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है कोई नई बात तो नहीं है, पर जो आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है, क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है।